नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूट्यूब के प्रोग्राम आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर राजू रतन राय में स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, हम आपकी समस्याओं जो आप यूट्यूब वीडियो के नीचे या व्हाट्सएप पर पूछते हैं उन्हें एकत्र कर समाधान हेतु डॉक्टर राजू रतन राय जी से जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर राजू रतन राय। रहती है, स्राव हरे रंग का मवाद की तरह रहता है, सरदर्द रहता है, रात में पसीना आता है, प्यास ज़्यादा रहती है, हाथ और पैरों में दर्द रहता है, गर्म और सर्द दोनों में रोग बढ़ता है, कृपया दवा बतलावें। चरणजीत सिंह जी, आपको सर्दी है, नाक में अंदर सूजन हो जाती है, आप एक काम करें, मॉक साल्ट 30 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम, इन दवाओं को करीब 7 से 10 दिन तक जो है यूज़ करें, आपकी जो है नाक की जो समस्या ठीक हो जाएगी, सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाएगा और नाक में जो सूजन है वह भी ठीक हो जाएगी। सूरज वैद्य, सूखी खांसी रहती है, कभी कभी घड़घड़ाहट के साथ बलगम आता है, ठंडी चीज़ खाने से रोग बढ़ जाता है, गर्म चीज़ लेने से आराम आता है, मानसिक रूप से उत्तेजना महसूस होती है, कृपया उपचार बताएं। सूरज वैद्य जी, आपको खांसी आती है और सीने में घड़घड़ाहट रहता है तो आप एक काम करें, हिपर साल्ट 30 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है इस दवा को जो है 15 से 20 दिन तक सेवन करें, आपकी जो है सर्दी खांसी और जो सीने में घड़घड़ाहट है ये सारी समस्या जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हिपर साल्ट 30 की जो है 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। हिमांशु सिंह, डॉक्टर साहब मैं अविवाहित हूँ, लेटने पर चक्कर आता है, सिर हिलाने पर बढ़ता है, हीमोग्लोबिन चेक करवाया, खून की कमी निकली, कृपया दवा बताएं। हिमांशु जी, आपको लेटने पर चक्कर आता है, आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम है तो आप एक काम करें, कोनियम 30 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, इस दवा को जो है 10 से 15 दिन तक जो है सेवन करें, दवाएँ जो है रिक्वेक कंपनी की जो है सील्ड दवा लें, आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। दीपक कुमार, डॉक्टर साहब आँखों से गाढ़ा पीला कीचड़ जैसा स्राव आता है, बंद कमरे में दिक्कत बढ़ जाती है, खुली हवा में अच्छा लगता है, प्यास कम लगती है, कृपया दवा बताएं। दीपक जी, आपके आँखों से कीचड़ आता है और जो है खुली हवा में अच्छा लगता है, बंद कमरे में आपको तकलीफ बढ़ जाती है तो आप एक काम करें, पल्सेटिला 30 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, इस दवा को 10 दिनों तक सेवन करें, यूफ्रेसिया आई ड्रॉप लेकर के जो है 3-3 बूंद जो है दोनों आँखों में सुबह शाम डालें, आपकी आँखों की समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। अमरदास सिंह, डॉक्टर साहब मुझे निकट की वस्तु तो ठीक दिखती है परंतु दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक ठीक प्रकार से नहीं दिखता है। आप अमरनाथ सिंह जी, आपको जो है आँखों की प्रॉब्लम है, आपको जो है फाइसोस्टिग्मा 3X लेकर के इसको जो है नित्य जो है सेवन करना चाहिए, फाइसोस्टिग्मा 3X जो है आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगी, इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें और जल्द ही आपकी आँख की समस्या ठीक हो जाएगी। रविंदर पाल, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अंदर से मिट्टी चूना चाक रेत कोयला खाने की इच्छा करती है। रविंद्र जी, आपकी पत्नी को अंदर से जो है चौक चूना मिट्टी खाने की इच्छा होती है तो आप परेशान ना हो, आप उनको एल्यूमिना 30 और एसिड नाइट्रिक 30 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर 2 से 3 महीने तक इनको खिलाएं, इनकी जो यह अदम इच्छा है चाक चूना और मिट्टी खाने की वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। पंकज सिंह, मेरे पिताजी की उम्र 75 साल है, उनको अक्सर शरीर में खुजली की दिक्कत रहती है, गर्मियों में भी नहाना नहीं चाहते हैं, कोई दवा बताएं। पंकज जी, आपके पिताजी स्नान करना नहीं चाहते हैं, खुजली की समस्या रहती है, स्किन डिजीज रहती है, नहाने से दूर भागते हैं तो आप एक काम करें, सल्फर 6 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 15 से 20 दिनों तक दें, उनकी खुजली की समस्या भी ठीक हो जाएगी और नहाने में भी उनकी जो है रुचि पैदा हो जाएगी। श्रीमती करमजीत कौर, डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, अंदर से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मासिक बहुत कम आता है, मन उदास रहता है, किसी से बोलने या बात करने का मन नहीं करता है, एकांत में अच्छा लगता है, सफ़ेद पानी की भी शिकायत है,
योनि में भारीपन बना रहता है। करमजीत जी, आप एक काम करें, सीपिया 200 पावर में लेकर के 5 बूंद नित्य एक बार जो है सेवन करें। इन दवाओं को रेगुलर जो है 2 महीने तक जो है आप लें, इससे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। लिकोरिया की समस्या भी ठीक हो जाएगी और जो है जो भी आपको जो है गाइनेकल प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सीपिया 200 पावर में लेकर 5 बूंद नित्य एक बार जो है 2 से 3 महीने तक सेवन करें। श्रीमती अर्चु नायर, डॉक्टर साहब मुझे गर्भाशय में फाइब्रॉइड ट्यूमर हो गया है, महीना रुका हुआ है, कोई दवा बताएं? अर्चु जी, आप एक काम करें, पल्सेटिला 1 mg 5 बूंद सप्ताह में एक बार लें। इसके अलावा थूजा 200 नित्य रात में 5 बूंद एक बार लें और कैल्केरिया आयोट 3x की 2-2 गोलियां 3 बार। इन दवाओं को रेगुलर 3 महीने तक सेवन करें, आपके फाइब्रॉइड की समस्या जो है ठीक हो जाएगी, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। नूरी अहमद, डॉक्टर साहब मुझे कब्ज रहता है, मुंह में अक्सर कड़वा पानी आ जाता है, आईने में देखते पर जीभ सफ़ेद दिखाई देता है, कभी कभी उल्टियां शुरू हो जाती हैं। नूरी अहमद जी, एक काम करें, आपका पेट साफ नहीं रहता है, जीभ आपका सफ़ेद रहता है और उल्टियां महसूस होती हैं, तो आप एंटीम क्रूड 6 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। नक्सोमिका क्यू जो है आप लेकर के 10-10 बूंद जो है 3 टाइम दोपहर शाम रात आधा कप पानी में डाल के लें। इन दवाओं को रेगुलर जो है 10-15 दिन तक सेवन करें, आपकी पेट की समस्या ठीक हो जाएगी, जो उल्टियां महसूस हो रही हैं वह भी ठीक हो जाएगा और कब्ज भी आपका दूर होगा। मिस्टर सूरज संडगे, डॉक्टर साहब मुझे स्वप्न दोष की शिकायत है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, चक्कर भी आते हैं, कोई उपचार बताएं? सूरज संडगे जी, आप एक काम करें, आप चाइना 30 5-5 बूंद 3 बार, स्टेपिस गेरिया 30 5-5 बूंद 3 बार, एसिड फॉस क्यू 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार जो है आधा कप पानी में डाल करके लें। इन दवाओं को रेगुलर 2 से 3 महीने तक सेवन करें, आपके जो स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, धात गिरता है, वो ठीक हो जाएगा, उसके वजह से जो आपको कमजोरी वीकनेस है वह भी दूर हो जाएगी। अशोक कुमार कुशवाहा, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की उम्र 85 साल है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ भी खाया पिया याद नहीं रहता है, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, कोई होम्योपैथिक दवा बताएं? अशोक कुमार जी, आपके पिताजी की याददाश्त कमज़ोर हो गई है और बच्चों जैसी वो बुढ़ापे में हरकत कर रहे हैं, उम्र उनकी 85 साल लगभग हो गई है, तो एक काम करें, आप बेराइटा कार 1000 पावर की 5 बूंद दवा जो है सप्ताह में उनको एक बार जो है रेगुलर 3 महीने तक दें। इसके अलावा कालीफॉस 6x जो है रिक्वेक कंपनी में लेकर के 6-6 गोलियां 3 बार दें। यह दवाएं रेगुलर 2 से 3 महीने तक यूज़ करें, उनके बुढ़ापे में जो समस्याएं हो रही हैं, जो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और जो बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, उसमें जल्द ही सुधार होगा। दोस्तों, आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर राजीव दत्त राय कैसा लगा, इसका जवाब आप वीडियो के नीचे या व्हाट्सएप पर ज़रूर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें और अपने समस्याओं को हमसे शेयर करें ताकि हम उनका उचित समाधान डॉक्टर राजीव दत्त राय जी से लेते रहें। जय हिंद, जय होमियो।